अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निरुफा स्किन केयर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नाइट क्रीम, जो कि स्किन को वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग करेगी, प्लस ये आपकी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करेगी। ये नाइट क्रीम रिंकल्स एंड फाइन लेंथ को भी रिमूव करेगी, और अगर स्किन में कोई भी डार्क स्पॉट है उसे भी रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। इस नाइट क्रीम में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को फेयर एंड ग्लोइंग बनाएगी। सो देखते हैं इस नाइट क्रीम को कैसे बनाते हैं। एलोवेरा जेल और उसमें ऐड करूँगा आलमंड ऑयल। मैं यहाँ पे 3 ड्रॉप ले रहा हूँ, मेरा ड्राई स्किन है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप 2 ड्रॉप लेना। यहाँ पे 2 विटामिन ई कैप्सूल ले रहा हूँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए 1 ही काफ़ी है। और लास्ट जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है केसर, इसमें हम ऐड करेंगे। मैं केसर को अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगा, ताकि केसर की जो गुण है इसके अंदर अच्छे से आ जाए। इसको हमने नाइट क्रीम इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें है आमंड ऑयल। आमंड ऑयल स्किन को फ्लॉलेस करता है, जो रात भर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेशन देती है। ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी सूटेबल है, टैन को भी रिमूव करता है, रैसेस को भी ट्रीट करता है, एंटी एजिंग के लिए भी सुपर है। प्लस आमंड ऑयल स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। सिमिलरली हमने जो यहाँ पे विटामिन ई यूज़ किया है वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही सुपर है। स्पेशली आपकी स्किन को नरिश करता है, आपकी स्किन सॉफ्ट करते हैं, ये आपकी स्कार्स को स्पॉट को रिड्यूस करता है। ये भी एंटी एजिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, अगर आपकी कहीं पे रिंकल्स है उसे भी रिड्यूस करता है, प्लस ये ट्रीट करता है सनबर्न को। केसर है जो आपकी स्किन को फेयर करेगा, स्किन को इवन टोन देगा। इसे कुछ दिन यूज़ करने के बाद देखना आपकी स्किन रिजुनेंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।